नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यूबॉन स्मार्ट वॉच के बारे में, कैसी है वॉच, लेनी चाहिए या नहीं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। इस तरीके से कुछ बॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफी बड़ा बॉक्स है और हैवी भी लगता है वजन में, एट्रेक्टिव बॉक्स है। इसको जल्दी से खोल के देख लेते हैं। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक पेपर मिलता है जिसमें यूबॉन की ब्रांडिंग दी गई है। एक यहाँ पे ये आपको कुछ पेपर्स मिल जाते हैं जिसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह दिए होते हैं वॉच के। यहाँ पे आपको एक बारकोड मिल जाता है जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वो बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं उसको। यहाँ पे आपको जो बेल्ट मिलते हैं वो दो बेल्ट मिलते हैं दोस्तों, एक तो है नेवी ब्लू, एक है ब्लैक। ठीक है, इसमें मुझे नेवी ब्लू ज़्यादा पसंद आया, ब्लैक तो रेगुलर बेल्ट है हर कोई पहनता है। ठीक है, बात करते हैं अब चार्जर की दोस्तों। तो चार्जर यहाँ पे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे बहुत ही घटिया क्वालिटी का चार्जर दिया हुआ है। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है मतलब बहुत ही ज़्यादा चीप है। वायर की क्वालिटी ठीक ठाक है। यूएसबी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टू पिन चार्जर है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेट चार्जर इसको बोल सकते हैं आप। दोस्तों वॉच के पीछे जो टू पिन है वो उसको यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लगाना होता है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये चिपक जाता है ऐसे। ठीक है, इतना हैवी मैग्नेट नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे ऐसे गिर जाता है, आपको इसको ऐसा ही रखना पड़ेगा और यहाँ पे रख के चार्जिंग करनी पड़ेगी वॉच को। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। मुझे जो मतलब मैंने जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी इसके प्रति कि ये कैसी आएगी, तो उससे तो काफ़ी अच्छी निकली है। यहाँ पे यूबॉन की जो ब्रांडिंग है आपको देखने को मिल जाएगी। एल्यूमिनियम और सिरेमिक का केस यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरीज 6 लिखा हुआ है दोस्तों। अभी फिलहाल कोई भी कंपनी आके कुछ भी पीछे छाप देती है, सीरीज 6, सीरीज 5, सीरीज 7, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, ऐसे ही वो लोग लिख देते हैं। बाकी फंक्शन तो जनरली सारे वॉच के अंदर ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस रहता है। ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे आपको लुक मिल जाता है दोस्तों केस का, और ये यहाँ पे बेल्ट वगैरह आप डाल सकते हो। ये यहाँ पे हम नेवी ब्लू बेल्ट इंसर्ट कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों अब ये लगती है परफेक्ट वॉच, दिखने में लुक अच्छा आ रहा है इसका। यहाँ पे थोड़ी सी कर्व डिस्प्ले आपको जैसा लगता है लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं जितना कि आपको यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे आपको दोस्तों दो बटन मिलते हैं, एक ये वाला है और ये गोल बटन, राउंड बटन है। ये वर्किंग नहीं करता, ये स्क्रोल नहीं करता है, और इस बटन को थोड़ी देर दबाने के बाद ये वॉच स्टार्ट हो जाएगी। ऑन ऑफ यहीं से होती है। ये यूबॉन की ब्रांडिंग दिखेगी आपको, और मैंने मेरा फोटो ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया हुआ है, वो कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बता दूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेनू इस तरीके से कुछ आपको दिखने वाला है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन का यहाँ पे स्कैनर है, ये फिट प्रो के एप्लीकेशन यहाँ पे लगने वाली है। कुछ मेनू है यहाँ पे, डायल पैड है यहाँ पे। ठीक है, टच स्क्रीन वगैरह का रिस्पॉन्स अच्छा है, स्क्रीन की जो क्लियरिटी है काफ़ी ब्राइट है, देखने में आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पे मॉडल नंबर्स वगैरह दिए जाते हैं, यहाँ पे वॉच को आप ऑन और ऑफ यहाँ से कर सकते हो। और ये जो स्क्रोल वर्किंग है मैंने पहले बताया आपको, ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये वर्क सिर्फ करेगा मेन मेनू में जाने के लिए, और ये जो करेगा ये स्क्रीन, ये भी सेम वर्क ही करता है, स्क्रीन को ऑफ कर देता है। यहाँ पे कुछ वॉलपेपर्स आपको मिल जाते हैं इनबिल्ट जो कंपनी की तरफ से ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे हार्ट बीट वगैरह कुछ फिटनेस एक्टिविटी वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतने वॉलपेपर्स आपको इनबिल्ट मिलते हैं, बाकी क्या आप एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों इतने सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे जो पहला फंक्शन है ये ब्लूटूथ का है, इसको ऑन और ऑफ आप कर सकते हो यहाँ से ब्लूटूथ को। ये म्यूज़िक का है, म्यूज़िक आप सुन सकते हो, जिसका स्मार्ट वॉच के अंदर तो कोई मीनिंग बनता नहीं है दोस्तों। ये फिट प्रो एप्लीकेशन का यहाँ पे कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप मेनू अपना चेंज कर सकते हो कि कौन से आपको किस व्यू में आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप यो कर सकते हो। ये यहाँ पे डायल पर दिया हुआ है लास्ट में, यहाँ से आप डायरेक्ट अगर आपकी वॉच कनेक्ट है मोबाइल के साथ तो आप किसी को भी यहाँ से कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे फ़ोन बुक दी हुई है, फ़ोन बुक के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ पे सिंक करने पड़ेंगे, तो आपको सारे जो मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब दोस्तों मेनू की यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे स्टेप्स का ऑप्शन मिल जाता है, हर्ट रेट है, वेदर है, डायलर है, फ़ोन बुक, रनिंग, सिटअप, जंपिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, बाइक राइडिंग, म्यूजिक, स्लीप, कैमरा वगैरह, स्टॉप वॉच है, लुकिंग फॉर, यानी कि आप मतलब अपने डिवाइस को खोजना चाहते हैं तो यहाँ से आप खोज सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन पहले कनेक्ट करनी पड़ेगी, वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर दिखा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जनरल जो ऑप्शन इसको बोल सकते हैं, फिटनेस के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैसेज है ये भी आपको यहाँ पे
वॉच कनेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पे शो होगा आपको जो भी मैसेज आते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे ड्यूअल मोड है, ड्यूअल मोड यानी कि दोस्तों ब्लूटूथ यहाँ से आपको ऑन करना है। मैनो स्टाइल आपको कौन सा रखना है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब दोस्तों आगे जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यहाँ पे व्हाट्सअप नोटिफिकेशंस आपको सारी मिल जाएगी कनेक्ट करने के बाद। मोर में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे। अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर आपको शो करेगा, यूबॉन SW61 इसका नाम है। यहाँ से वॉच को आप बंद भी कर सकते हो। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंग्लिश सिलेक्ट की हुई, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट कीजिए। सेट टाइम डेट, यहाँ से सेट टाइमिंग और डेट कर सकते हो दोस्तों आप। ये जो फंक्शंस थे ये इस वॉच के अंदर आते हैं। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। वॉलपेपर मैंने वो कैसे सेट किया था और दूसरा वॉलपेपर आप चाहो तो उसको मतलब कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो वो चलिए जल्दी से हम लोग कर देते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ये जो बीच वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे जाना है, कोड ओपन करना है। दोस्तों अभी मोबाइल के अंदर जाना है, मोबाइल में जाने के बाद आपको स्कैनर ओपन करना है। स्कैनर ओपन जैसे ही यहाँ पे आप कर लोगे तो यहाँ पे वेबसाइट आ जाती है। वेबसाइट आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा गूगल प्ले डाउनलोड, एंड्रॉइड डाउनलोड और iOS डाउनलोड। मेरे यहाँ पे iOS है तो मैं यहाँ पे iOS पे क्लिक करूँगा, अगर आपका एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड पे क्लिक कर दीजिए, या तो गूगल प्ले डाउनलोड भी आप क्लिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे iOS पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ब्लूटूथ यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ब्लूटूथ स्टार्ट करने के बाद आपको जाना है वॉच में। वॉच में जाने के बाद वापस से जो राउंड बटन है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करोगे तो ही ये सर्चेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, बाइंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर्स, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी मॉडल्स मेरे मोबाइल के आसपास है वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे यूबॉन SW61 हमारी ये वॉच है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये वॉच हमारी कनेक्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पैर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पैर कर लेना है आपको, ओके यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये कनेक्टेड है अभी वॉच हमारी एप्लीकेशन के साथ। यहाँ पे नोटिफिकेशंस के लिए अलाउ कर देता हूँ मैं। मोशन में जाओगे तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको वॉक इन, रन और राइडिंग, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे दूसरे भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ लॉगिन। मैसेज पुट सेटिंग में अगर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जो आप नोटिफिकेशंस कौन से एप्लीकेशंस की लेना चाहते हैं तो उसके लिए है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे ऑन कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे ऑन कर देता हूँ और फेसबुक की यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो ये मैंने ऑन कर दी है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, कॉमन कॉन्टैक्ट, डायल सेटिंग। डायल सेटिंग में जाते हैं दोस्तों। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ वॉलपेपर्स यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आपको रेकमेंड में जाना है, बहुत सारे वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे। इनमें से आप जो चाहो वो डाउनलोड कर सकते हो, जो चाहो वो फेस यहाँ पे आप रख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, अगर इसको मुझे रिप्लेस करना है तो यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये वॉलपेपर मैं रखना चाहता हूँ तो ये रख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग का अरेंजमेंट आता है, टाइमिंग आपको कौन सी जगह पे रखना हुआ है, ठीक है। ये सिंक्रोनाइज, ये फोटो यहाँ पे सेट हो चुका है। क्लियरिटी शायद आपको यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ वो मैं मेरे स्मार्टफोन से शूट कर रहा हूँ, तो रियल लाइफ में ये जो क्लियरिटी है काफ़ी अच्छी है। फोटो की क्लियरिटी पे डिपेंड करेगा ये कि आपका फोटो की क्लियरिटी कैसी है मोबाइल के अंदर, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो यहाँ पे MAH के अंदर बॉक्स के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कितने MAH की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये 24 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ है, 24 आवर्स बैकअप, ठीक है। यानी कि 24 घंटे ये वॉच आराम से चल जाएगी कनेक्टिविटी के साथ। और दोस्तों इसको मैंने 4-5 दिन यूज़ की हुई है, ये थोड़ी ज़्यादा चलती है, कंपनी ने 24 घंटे बोले है, लेकिन मैंने जिस तरीके से मैंने यूज़ की तो मुझे लगा कि ये थोड़े घंटे ज़्यादा चलती है, 24 घंटे के बाद भी थोड़ी सी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा आपको ये चल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा यूज़ है, ठीक है। दिन भर दिन अगर व्हाट्सएप के मैसेज आते रहेंगे इसके अंदर तो फिर ये आधे दिन के अंदर भी ये डाउन हो सकती है इसकी बैटरी, तो आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हो। बाकी जनरल अगर आपका यूज़ है कि आप नॉर्मल यूज़र हो तो आराम से ये 25-30 घंटा चल जाती है। दोस्तों एक बार कॉल करके भी देख लेते हैं लगता है कि नहीं। यहाँ पे डायलर में जाता हूँ मैं, मेरा दूसरा जो नंबर है वो डायल करता हूँ। और ये यहाँ से डायल किया मैंने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल के अंदर ऑलरेडी आ गया।
यहाँ पे आपको आईफोन में बात करनी है, स्पीकर में बात करनी है, या वेल ऑडियो में यानी कि वॉच के अंदर बात करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, दोस्तों नोटिफिकेशन किस तरीके से आएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं मेरे दूसरे मोबाइल से आप मैसेज कर रहा हूँ अभी, सब्सक्राइब माय चैनल, ये मैंने मैसेज दूसरे मोबाइल से यहाँ से सेंड कर दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज आ चुका है मोबाइल में, अब यहाँ पे भी मैसेज आ चुका है सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाएगा। इस मैसेज को अगर आपको दोबारा देखना है तो यहाँ से आपको सिंपली है ऊपर से यहाँ पे डाउन करना है। ठीक है, माई जियो यानी कि दोस्तों जिस पर्सन ने आपको यहाँ पे मैसेज भेजा है उस पर्सन का अगर आपने नंबर सेव किया हुआ है तो जो नाम से सेव किया वो नाम यहाँ पे आपको दिखाएगा। मैंने यहाँ पे माई जियो किया हुआ है क्योंकि वो मेरा दूसरा नंबर है। सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, मैसेज यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आएगा क्या मैसेज था। तो इस तरीके से फेसबुक इंस्टाग्राम की यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों कैसी लगी ये वॉच कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस वॉच को परचेस करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस वॉच की जो प्राइस है वो है 1700 रुपये खाली। तो ये ओरिजिनल वॉच आपको 1700 रुपये के अंदर मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है डिस्प्ले की, तो डेफिनेटली जा सकते हो अगर आपको कोई ब्रांड के अंदर ही जाना है तो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।